प्रदेश और छोटे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। ऐसा मैंग्रोव स्कूल ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया और जिस स्पोर्ट्स सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ 18 करोड़ की लागत से बन करके, जिसमें मेन जितने भी इवेंट्स हैं सब के सब इवेंट्स जो है एक कॉम्प्लेक्स में एक जगह जो है वो यहाँ पर बच्चों को खेलने का अवसर सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरा यही नहीं, स्पोर्ट्स सेंटर की इनॉग्रेशन तो आज हुई, लेकिन इसके साथ साथ में जिस प्रकार की सुविधा बच्चों को हिमाचल प्रदेश में ये इंस्टीट्यूशन हमारा दे रहा है, तो दोनों कैंपसेस में यहाँ पे और सवातू में भी, तो वो सचमुच में हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, आज हिमाचल प्रदेश का सबसे बेहतर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और जिसने बहुत फास्ट ग्रो किया है और जिसने अपना नाम की एक पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, तो फाइन ग्रोथ। सर अब थोड़ा राजनीतिक सवाल है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी मंडी में, हालांकि रैली बहुत शानदार हुई, बड़े ही मौसम के कारण प्रधानमंत्री नहीं आ सके, जिस तरह से भीड़ उसमें जुटी है युवाओं की, उसे कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव? देखिए, हिमाचल के इतिहास में क्या पूरे देश के इतिहास में इस प्रकार का कार्यक्रम जो पिछले कल हुआ, इस तरह का कार्यक्रम पहले नहीं हुआ। ये देश के प्रधानमंत्री सिर्फ युवाओं को संबोधित करने के लिए हिमाचल आए, और युवाओं को संबोधित करने के लिए मंडी पहुंचना था, मौसम खराब होने की वजह से वो संभव नहीं हो पाया उनका आना, लेकिन वर्चुअल माध्यम से निपट रहे थे। लेकिन 1,00,000 नौजवान हिमाचल प्रदेश के उनको सुनने के लिए मंडी पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा उत्साह का एक माहौल था वो देखने लायक, जिसके कारण जो हमें आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के युवाओं को इस बात के लिए बधाई भी दी और शुभकामनाएं दी, निश्चित रूप से उन्हें सौंप। सर, जैसे कि अनिल शर्मा ने बोला है कि वो भाजपा में ही रहेंगे और आशय शर्मा भी जो है अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, चलो चुनावी बात पर बात में करेंगे, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसलिए मैं ज्यादा उचित नहीं समझता हूँ, हमारी पार्टी में है, पार्टी के काम करने के लिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सभी को चुनावी दंगल भी होगा, पार्टी के नेतृत्व तय करेगा। सर, विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कब तक टिकट फाइनल करेगा? जल्दी करिए।